Hello friends, welcome to my channel Cook with Reena. आज मैं आपके लिए ले आई हूँ गट्टा। गट्टे की सब्जी नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, पंजाब में भी बनती है, राजस्थान में भी बनती है, यूपी में भी बनती है, लेकिन हर जगह की एक अपनी खासियत है। बनती तो ये बेसन से ही है, लेकिन उसमें जो मसाले पड़ते हैं उसमें थोड़ा हेर फेर है। बेसिक मसाला सेम है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा हेर फेर है। आज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो गट्टे की सब्जी होती है वो कैसे होती है। गट्टे की सब्जी आज नहीं बनाऊंगी, आज मैं सिर्फ गट्टे कैसे बनाने हैं, नरम बिल्कुल रुई जैसे गट्टे जो करी बनाए तो मुंह में घुल जाए इस तरह के, उसका जो क्या तरीका है उस एवरीथिंग डिपेंड ऑन कैसे आपने बेसन को गूंदा, हाउ यू हैव नीडेड द बेसन। तो उसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स है उससे मैं परिचित कराती हूं आपको। इधर मैंने करीब 2 कप बेसन लिया है और इसमें सबसे पहले जाएगा हल्दी, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया पाउडर, साबुत जीरा जो मैंने थोड़ा टोस्ट कर लिया है, और ये मैंने थोड़ा करारा बनाने के लिए कूटी हुई मिर्च ली है। और मारवाड़ी गट्टे का सबसे बड़ी खासियत है उसमें हींग जरूर जलती है। हींग और सौंफ आप देखेंगे शायद दूसरे जो नॉर्थ इंडियन गट्टा है उसमें नहीं डलता है। ये 2 चीज़ यहाँ की खासियत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले नीट करना है। मैं ये एक बड़े बर्तन में इसको पलट लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी हल्दी, थोड़ा गट्टों में रंग आ जाएगा, और ये भी कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होगी, इसमें रंग लाएगी, गाढ़ा रंग देगी। और थोड़ा ये वाली मिर्च डाल देती हूँ, ये थोड़ी तीखी है तो गट्टों को थोड़ा तीखा टेस्ट देगी। ये हम डालेंगे धनिया पाउडर, जैसे 2 कप मैंने लिया है तो उसमें मैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। और ये जो ज़ीरा है इसको टोस्ट किया हुआ है तो इसको मैं थोड़ा ऐसे पाम में मसल के डालूँगी। कोई भी मसाले, खड़े मसाले अगर हम इस तरह से मसल के डालते हैं तो उसका फ्लेवर और निखर के आता है। यही हम सौंफ के साथ भी करेंगे, इसको भी थोड़ा मसल के फिर डालेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक, ये 2 कप उसके लिए, ये छोटे आधा चम्मच नमक काफ़ी है, क्योंकि जब हम इसकी करी बनाते हैं करी में भी नमक डलता है, और जब इसको बॉईल करते हैं उस बॉइलिंग वाटर में भी कई बार हम नमक डाल देते हैं। तो नाउ कंबाइन एवरीथिंग नाइसली, अच्छे से कंबाइन कर दीजिए सबको नमक के साथ। अब हम इसमें थोड़ा मोयान डालेंगे। यही राज है कि जो गट्टे हैं बिल्कुल सॉफ्ट इसी मोयान से ही बनते हैं। जब इसमें तेल पड़ता है तो ये जब गूंदने के बाद भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इसी से गट्टे बहुत नरम बनते हैं। जैसे आप अगर 2 कप मैंने लिया है तो इसमें 2 टेबलस्पून मैंने मोयान लिया है। नाउ यू हैव टू यूज़ योर फिंगर एक्चुअली। इसको हम अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे अच्छे से, जैसे ऑयल और सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएं। अब इसको गूंधेंगे हम थोड़ा ल्यूक वॉर्म वाटर से, गर्म पानी से थोड़ा करेंगे, जितना आपके हाथ में सहन हो सकता है उतना ही लेंगे गर्म पानी। और एक बार में पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको देखेंगे कितनी आवश्यकता है, उस अनुसार हम इसको डालते रहेंगे। थोड़ा और लेते हैं, ये देखिए सारा बेसन इकट्ठा हो रहा है।
सही पानी है, इतना थोड़ा हाथ में स्टिकी होगा, आपको स्टिकी लगेगा। तो थोड़ा आप बेसन थोड़ा और बेशक ले लीजिए, लेकिन थोड़ा ये ऐसे स्टिकी होगा तभी ये नरम भी बनता है। तो इसको हाथ से आप छुड़ा लीजिए, बेशक चम्मच से या किसी भी छुरी के सहायता से हाथ से आप छुड़ा लीजिए। इसको हम गट्टों को गर्म पानी में उबालेंगे। इसको थोड़ी देर रखने के बाद ये थोड़ा बैठ जाएगा, तब हम इसको गर्म पानी में इसके लॉग्स बना के, लंबे लंबे लॉग्स बना के इसको हम, लेकिन ये ऐसे गूंथने के बाद इसको थोड़ा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम एक छोटे से कटोरी में इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कम से कम 15 मिनट अगर ये रहे तो बहुत अच्छे से ये बैठ जाता है, और फिर इसके अच्छे से ऐसे गोल गोल लंबे लंबे हम इसके लॉग्स बना देंगे, उसको हम पानी में बॉईल करेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अब रख देते हैं, ये 15-20 मिनट में फिर हम वापस आते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं इसका क्या हालत है। आइए ये देखिए, ये अच्छी तरह से अब देखिए जो बिल्कुल चिकना बन गया है, कितना अच्छा। पहले स्टिकी लग रहा था, मैंने इसको जब रखा था तो थोड़ा हाथों में तेल लगा लिया था मैंने। देखिए बिल्कुल, ये देखिए जैसे हम रोटी बनाते हैं आटे की, उस तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइयां तोड़ लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मोटी चाहिए आपको। ये कई लोग छोटे छोटे भी बनाते हैं मोटे, कई पतली बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही पसंद करती हूँ। और इसको बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है, पानी गर्म हो रहा है। आप ऐसे इसके लॉग्स बना दीजिए मोटे मोटे। ज़रूरी नहीं है सारे एक बराबर हों, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इनको काटना है बॉईल होने के बाद। बस मोटापा एक जैसा हो इतना देख लीजिएगा। देखिए कितने आराम से अब ये बन रहा है, हाथ में कोई स्टिक भी नहीं हो रहा। पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है, अब हम इसको पानी में खौलते पानी में डाल देंगे। अब पानी में हम थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं, नहीं तो हमने इसमें भी नमक डाला था तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके इसमें पानी इतना होना चाहिए कि ये सब बीच में डूब जाए, इमर्स हो जाए। बिल्कुल घबराइए मत, ये नहीं टूटेंगे, आराम से इसके अंदर ये बॉईल होंगे। ये कम से कम 15 से 20 मिनट लेते हैं अंदर तक पकने के लिए, तो आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कई बार ऊपर से लगता है कि रंग बदल गया हो गया है लेकिन अंदर ये कच्चे रह जाते हैं। इसलिए आपको धैर्य से कम 15 मिनट इसको टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे से अंदर पकने के लिए मीडियम फ्लेम में। देखिए इन गट्टों के ऊपर ये दाने आ गए हैं, वाइट वाइट आप देख सकते हैं, छोटे 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 दाने, ये इसी का इंडिकेशन है कि ये पक गया है अंदर से। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम। ये देखिए फूल भी गए हैं, पतले थे और भी ज्यादा फूल गए हैं। अब इनको हमको इमीडिएटली नहीं काटना है, आपने इसको थोड़ा ठंडा होने का टाइम देना है। और ये जो रसा बच गया है इसका, इसको आपने फेंकना नहीं है। ये देखिए ये बन गए हैं, अब इसको आपने ठंडा करके
तब काटना है, नहीं तो एकदम से गल सकते हैं। और ये जो तरी है इसको आप जब गट्टे की सब्जी बनाएंगे, गट्टा करी जब बनाएंगे, इस करी में इसको यूज़ करना है। चलिए अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, ये देखिए कितने आराम से कट रहे हैं, आराम से देखो छुरी जा रही है। आप इसको मोटा पतला अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे भी हो। ये देखिए अंदर बिल्कुल अच्छे से पक गया है, कोई नरम नहीं है ये। और ये यही निशानी है, आपको इसको काटने में आराम से छुरी जाएगी अंदर और आराम से काटेंगे। ये देखिए इतना नरम हो गया है कि ये बीच में से भी टूट रहे हैं। तो ऐसे अगर टूटने लगे तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये और थोड़े ठंडे होंगे तब इसको काटना सही रहेगा। अब आप ये गट्टे जो है, गट्टा करी बनाइए, गट्टे की कड़ी बनाइए या गट्टे के चावल बनाइए। ये राजस्थान में मारवाड़ में ये सब बनता है, स्पेशली महावीर जयंती के उपलक्ष में ये गट्टे के चावल ज़रूर बनाते हैं, पीले चावल। वो कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। लीजिए ये गट्टे तैयार। आप इसको फ्राई करके डालिए करी में या ऐसे ही डालिए, तरह से इस गट्टों को इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आज का आपको रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक बटन में क्लिक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके मैं आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।